आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये सत्य घटना एक ऐसी है कि जिसको सुनकर रूह कांप जाएगी। मतलब एक माँ बाप होते हैं जो कि अपने, चाहे कितनी भी बच्चे हों, उनके चाहे 2 हों 4 हों 6 हों, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल लेते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो किस तरीके की हरकतें करते हैं और कितना उनका दिल दुखाते हैं। तो ये जो सत्य घटना है, ये एक मैया की है जो कि अपने बच्चे के साथ रहती है। मतलब उनके 3 बच्चे थे जो कि अच्छे पढ़ा लिखा के, अपनी परिस्थिति को भूल कर, इतनी मेहनत करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चे उस काबिल बन गए कि उनकी शहर में जॉब लग गई। लेकिन जब माँ बाप जब बूढ़े होते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है, तो वो माँ बाप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस सत्य घटना के माध्यम से आप समझेंगे। तो वो जो मैया थी वो बहुत धार्मिक थी, लड्डू गोपाल की और भी भगवानों की बहुत सेवा करती थी। उनके मंदिर में लड्डू गोपाल थे, सारे भगवान थे, धार्मिक थी वो मैया। सुबह स्नान करके पूजा पाठ करना, फिर बच्चों का खाना पीना, घर गृहस्थी का सारा काम मैया किया करती थी। ऐसे तैसे उनका मतलब दिनचर्या थी। और यही कर कर के, और यहाँ तक कि जब ज़रूरत पड़ती थी, अपने बच्चों के ऊपर कोई दिक्कत आती थी, परिस्थिति क्योंकि हमेशा एक सी नहीं होती, तो वो मैया खेतों में जाके मजदूरी भी की। ऐसी परिस्थिति से गुजरी है वो, और ऐसी कठिनाइयों से अपने बच्चों को पाली हैं, काबिल बनाई हैं। जब उनके बच्चे शहर चले गए, जब कॉलेज की फीस की ज़रूरत पड़ती थी, और उनके जो पति थे वो किसान थे, कभी कभी ऐसा मौका आता था कि बच्चों को महीने में देने के लिए, क्योंकि बाहर रहते थे तो रेंट का किराया देना होता था, तो उसको उसकी देने के लिए बड़ा मुश्किल होता था, जोड़ नहीं पाते थे कि हम रेंट का किराया कैसे देंगे। तब वो मैया और वो जो उनके हस्बैंड थे, बाबा थे, वो दोनों मिलके, मैया कहती थी कि मैं भी आपके साथ खेत चलूँगी, और जो दूसरे लोगों के खेत थे उनमें मजदूरी करके वो महीना के आखिरी आखिरी तक इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चे शहर में रह रहे हैं, कुछ पढ़ लें, इस उम्मीद से कि जैसा हमारा जीवन बीता वो जीवन हमारे बच्चे ना देखें और उनका ना बीते, उनका एक सुखपूर्वक जीवन बीते, इस आशा के साथ वो खूब मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते और अपने लास्ट लास्ट तक अपने बच्चों को खर्चा पहुंचा देते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने बच्चों से कभी नहीं किया, ना तो बच्चों ने पूछा, उनको लगा कि खेती से ही हो रहा है, और ना ही उन माँ बाप ने कभी बताया कि हमारे आखिरी आखिरी तक कैसे, मतलब कितनी मुश्किल होती है लोगों को पैसा, मतलब बच्चों को पैसा पहुंचाना, कभी नहीं बताया, और कभी बच्चों ने पूछा भी नहीं। और ऐसे ही करते करते उनकी पढ़ाई हो गई, एक एक करके तीनों की अच्छी जॉब लग गई शहर में ही। अब जब जॉब लग जाती है तो जो मैया और बाबा थे वो एक एक करके बच्चों की शादी भी कर देते हैं। अपनी छोटी सी गृहस्थी में उन्होंने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, जो हर एक माँ बाप करते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं अपने बच्चों का, चाहे वो उनकी जैसी भी परिस्थिति हो। ऐसा ही इन मैया और बाबा ने किया। अब क्या होता है कि समय के साथ मैया और बाबा दोनों बुजुर्ग होते जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं रहती। वो उनकी भक्ति लगातार बढ़ती जाती है, और भगवान के ऊपर विश्वास भी बढ़ता जाता है। अब क्या होता है कि अचानक एक बार बाबा जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। अब जो बीमार पड़ जाते हैं तो खेती कैसे होगी, क्योंकि इतना पैसा तो था नहीं, मजदूरी करके, खेती करके ही अपना जीवन यापन करते थे। अब बीमार पड़ गए तो उनसे खेती भी नहीं हुई। तो मैया ने कहा कि बहुत, पूरा जीवन आपने सेवा वो की खेती की, अब आप खेती करना बंद कर दो, जो करेंगे बच्चे करेंगे, बच्चे इस लायक हो गए हैं कि अब आपको खेती करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, उनको इतना समझ में आएगा। ऐसे माँ उनको कहती हैं, मतलब उनकी वाइफ जो है उनको समझाती हैं कि तुम चिंता मत करो, अब बच्चे सब कुछ संभाल लेंगे। इतने में क्या होता है कि 10-15 दिन के बाद उनका बड़ा बेटा आता है। तो जब वो आता है तो मैया बताती हैं कि पिताजी की
कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तो ऐसा करो कि इनको शहर ले चलो, वहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना अच्छे हॉस्पिटल में, तो इनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो बेटा क्या कहते हैं कि अरे माँ वहाँ कहाँ जाएंगे, और है तो यहीं करवा लो, जो मतलब जो रोज कोई डॉक्टर आते थे गाँव में उनसे कह देता है बेटा। तो मैया उनको सुन के तो बड़ा बेकार लगा कि बताओ कैसे बोल दिया इसने। तो वो जो पिताजी थे वो समझ गए उसका इशारा, तो वो साफ मना कर दिए, वो बोले कि हाँ बेटा मैं यहीं करवा लूँगा, तू परेशान मत हो। और फिर कुछ दिन रहता है बेटा और चला जाता है। फिर लेकिन जाते जाते वो मैया कहती है एक बार कि बेटा अगर पिताजी को शहर में मतलब शहर में इलाज करा दोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यह तो ऐसे गाँव के इलाज में और शहर के इलाज में बहुत फ़र्क होता है। मैया पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी, देश दुनिया देखी हुई थी, अनुभव बहुत था। लेकिन वही है ना कि जब बच्चे एक बार शहर चले जाते हैं और उनका घर परिवार हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पढ़ाया लिखाया, किस परिस्थिति से हमें इस काबिल बनाया, ये सब बच्चे भूल जाते हैं। जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी बच्चे को, क्योंकि जब माँ बाप की जब जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी होती है उनके बच्चों की, कि वो हमें कैसे किस परिस्थिति से पालें, किस उससे पाले, उसका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज है, उनको पूरी सुख सुविधा देना हमारा फ़र्ज है। ऐसे हर बच्चे को सोचना चाहिए, लेकिन इतनी समझ कहाँ होती है आजकल के बच्चों में। ऐसे ही था उनकी मैया के साथ। अब वो बाबा जब ये मैया कहती हैं जाने के लिए तो वो बाबा साफ मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अब जब कुछ दिन के बाद सेकेंड नंबर वाला बीच वाला बच्चा आता है तो उससे भी मैया ऐसे ही कहती हैं कि बेटा तुम भी तो शहर में रहते हो, बड़ा भाई आया था, मैंने उससे कहा, वो मतलब सारी बात बताई। तो वो कहता है कि अम्मा मैं ले जाता बापूजी को, लेकिन क्या बताऊँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बहू की तबीयत ख़राब है। ऐसे वो बोल देता है कि अभी एक हफ्ते से वो बीमार है, और है तो खाना वाना बना नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और मैं बाबूजी को ले जाऊं तो वैसे ही बाबूजी बीमार है और वो भी दोनों बीमार रहेंगे, फिर करेगा कौन बाबूजी का। तो ऐसा करो कि छोटा वाला अभी कुछ दिन में आने वाला है, तुम उससे बात कर लेना, नहीं मैं कुछ महीने के बाद आऊँगा फिर मैं बाबूजी को ले जाऊँगा। ऐसे करके टाल देता है बात को। अब मैया ये समझ गई सब बात और उसने उम्मीद भी छोड़ दी, बोले बेटा अब जब तुम ही दोनों बड़े इस तरीका कर रहे हो तो मैं छोटी से तो उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो कह देती है कि चलो भगवान के भरोसे जो उनको मंजूर होगा वो होगा, ठीक है बेटा तुम लोग खुश रहो अपने परिवार में, सुखी रहो, बस हम तो यही दुआ देंगे। और ऐसे मन दुखी होके ऐसे कह देती है मैया। फिर मन में सोचती है कि बताओ पूरा जीवन हमने अपने बच्चों के लिए किया, कभी अपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, धूप छांव कभी नहीं देखा, इतनी मजदूरी की, इतनी मेहनत की कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा पढ़ लिख लें, उस लायक बन जाएं कि कल को हमारे बुढ़ापा अच्छा निकले, सुखी निकले और उनका भी जीवन सुखी रहे। लेकिन क्या बताएं, ऐसे करके बड़ी दुखी हो जाती है। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो उनको सांत्वना देते हैं कि देखो ये दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है, और उम्मीद करना छोड़ दो, तेरे हैं ना वो कन्हैया वो लड्डू गोपाल, उनको जो मंजूर होगा वो करेंगे, दुनिया वालों से कुछ कहने से अच्छा है कि तुझे जो भी बोलना हुआ करे तो उनसे बोला कर। और ऐसे करके उनको समझाते हैं और मैया भी इस बात को समझ जाती है कि बिल्कुल सही बात है, दुनिया वालों से चाहे वो बच्चे हों या घर के हों, किसी से बोलने से अच्छा है कि हम अपने भगवान से कहें, अपने लड्डू गोपाल से कहें, क्योंकि जितना प्रेम वो करते हैं ना उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता हमसे प्यार। हम जिस रिश्ते में उनके साथ बंधेंगे, जो भी रिश्ता मान के हम उनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो बच्चे का, चाहे वो गुरु का, चाहे वो किसी का भी, सखा का, वो उसी रूप में हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वैसे ही अनुभूति कराते हैं। अब क्या होता है कि जो बाबा थे उनकी तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। मैया बड़ी चिंता में पड़ जाती हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और
ये सोचते सोचते ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, क्योंकि महीना डेढ़ महीने हुए थे, और बाबा की अचानक अटैक पड़ता है। तबीयत तो खैर उनकी पहले से ही ख़राब थी, अटैक पड़ता है और वो जो बाबा हैं वो स्वर्ग से धार चले जाते हैं। अब मैया इतनी दुखी, इतनी मतलब अकेली सी पड़ जाती हैं कि क्या बताएं। ये इस दुख का ना किसी को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उस पत्नी के ऊपर क्या गुजरती है। फिर जब वो बाबा ख़त्म हो जाते हैं तो ये सारे बच्चे आते हैं, तीनों बच्चे आते हैं। अब क्या होता है कि जब ये बच्चे आते हैं और ये होता है कि अब मैया यहाँ पे अकेले नहीं रहेंगी, क्योंकि जो परिवार वाले थे, मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, गांव वाले भी थे, वो भी कहते हैं कि देखो तुम लोग तीन तीन बच्चे हो, तीनों में से कोई भी मैया को ले जाओ, अपने साथ रखो, क्योंकि अकेली रहेंगी मैया, परेशान होगी, बाबा की याद रहे आएगी तो कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहेगी तो थोड़ा मन बहला रहेगा उनका, तो तुम लोग अपने साथ ले जाओ। तो साथ ले जाने के लिए यही कहा जाता है ना कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को पालने में इतना कष्ट होता है, उनको इतना तकलीफ़ होती है, ले जाने के लिए तीनों बच्चे आनाकानी करने लगते। बच्चे तो अगर तैयार हो भी जाएं, लेकिन उनकी जो बहुएं थी वो उनको लगे बड़ी रख ले, बड़ी को लगे मझली रख ले। आखिरी में ये हुआ, छोटा बच्चा थोड़ी लाडला होता ही है माँ बाप का, तो वो कहता है कि मैं लेके जाऊंगा माँ को, और छोटे छोटे बच्चे के साथ माँ चली जाती है। उस दिन तो सास बहू की अच्छी रहती है, क्योंकि ज़्यादा मैया ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, सीधी सरल थी, सहज थी, और अपनी लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। उनका छोटा सा नाती भी था, वो भी मैया सेवा करती थी, वो भी देखता था, बड़ा अच्छा लगता था। बेटे को भी बहुत अच्छा लगता था कि घर में पूजा पाठ हो रही है, और जो उनका जो पोता था वो भी दादी से बड़ा घुल मिल गया था और उनके साथ ही रहने लगा था। ये देख के जो छोटी वाली बहू है उसको बड़ा वो लगने लगा था कि पहले जब अकेले रहता था तो माँ के साथ पूरे टाइम रहता था, अब ये कहीं जाती भी थी, जैसे नीचे जाती, अपनी सहेलियों के पास जाती, अगर वो उससे कहती कि चल मेरे साथ तो वो मना कर देता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दादी के साथ रहूंगा। और छोटे से लड्डू को पाल की जब वो सेवा करती ना, तो वो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता था सेवा करना, और वो भी साथ में उनकी सेवा किया करता था, साथ में ही, बड़ा अच्छा लगता था उस बच्चे को। यही कहते हैं ना कि बच्चों में संस्कार बचपन से ही आते हैं, हम जैसे माहौल में पले बड़े रहते हैं वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। तो वो मैया सेवा करती हैं, तो वो कहीं पुष्प ले, जैसे सुबह सुबह मैया उठ जाती हैं और कॉलोनी में फूल लगे रहते हैं सबकी क्यारियों में, तो मैया सुबह सुबह जाती, घूमना भी हो जाता और अपने पोते के साथ जाती, एक टोकनी ले लेती छोटी सी, तो बच्चे को भी बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि जब मैया नहीं रहती थी तो माँ को इतना कहाँ टाइम है सुबह लेट उठना, फिर खाना पीना में लग जाना, तो वो बच्चा इतना वो नहीं रहता था, लेकिन दादी के साथ सुबह सुबह वो जाता तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता था। अब वो रोज़ दादी के साथ सुबह फूल ले आए, अपने लड्डू गोपाल को खूब सुंदर से सजाए, मैया को भी बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो जो बहू थी वो धीरे धीरे इनसे चिढ़ने लगी। उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाए, क्योंकि अब तक अब मेरी बात तो ये सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोलती हूँ तो वो दादी की ही बात पहले सुनता है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये मेरे से दूर हो जाए और मेरे से चिढ़ने लगे। और है तो उसको ये भी लगता है कि अब इतने दिन हो गए मेरे पास, तो कुछ दिन के लिए अब जिठानियों के पास चली जाए, लेकिन बोलती तो बोलती कैसे, ऐसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे, तो उसने भूमिका बनाया। उसके जब हस्बैंड आए घर ऑफिस से, तो वो कहती है, क्या कहती है कि सुनो अपना जो घर है ना वो बहुत छोटा पड़ रहा है, और ये जो पार्थ है ये भी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, हर बात में बिल्कुल दादी के पीछे पीछे रहा आता है, और इसकी पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल पूछो मत, कुछ भी नहीं पढ़ता है, ABCD भी नहीं लिखना आप बंद कर दिया, जब से मतलब अम्मा आई हैं तब से कुछ भी नहीं करता है और ये बिगड़ता जा रहा है, और देखो अपना घर भी बहुत छोटा है, कोई आता है तो बिठाने के लिए भी जगह नहीं रहती, और मेरी नेक्स्ट मंथ किटी पार्टी है तो उसमें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मम्मी वहीं पे बैठी रहते हैं, और है तो अपने लड्डू गोपाल, मेरी सहेलियां आएंगी उनसे वही लड्डू गोपाल की बातें करेंगी तो वो क्या सोचेंगी, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए अम्मा को
जेठानियों के पास भेज दो, ऐसे कह देती है उनकी छोटी वाली बहू। और ये बात वो जो अम्मा थी वो सुन लेती है, उनको सुन के बड़ा दुख लगता है। और यही बात उनके मन में आती है कि बाहरे जिंदगी, बाहरे बुढ़ापा, कि माँ बाप कैसे भी करके कितने कष्ट से हमने अपने बच्चों को पाला, सब कुछ किया, और जब हमारी उनकी बारी आई हमें अच्छे से रखने की, तब बहुएं इस तरीके का करने लगती हैं और बच्चों का व्यवहार ऐसे हो जाता है। वो ये सुन के बड़ी दुखी हो जाती है। और बेटा आता है दूसरे दिन अपनी माँ के पास, बैठता है और बैठ के और फिर बातें ऐसी करने लगता है और फिर कहता है कि माँ सुनो, भैया भाभी से मिले बहुत दिन हो गए हैं और मैं ऑफिस के काम से कल मुझे वहाँ जाना है, उसी तरफ जाना है, तो तुम चलोगी क्या? तुम भी तो बहुत दिन हो गए मिले नहीं हो, तो ऐसा करो कि कल चल लो। और तो वो मैया तो सब सुन ली थी बहू की बात, अब वो सब समझ जाती है कि कुछ नहीं, ये लोग मेरे को अपने घर से मतलब भेज रहे हैं। तो वो कहती है हाँ बेटा ठीक है मैं चल लूँगी। तो वो मैया तैयार हो जाती है जाने के लिए, मन में दिल में दर्द लिए हुए, वही बात सोचते हुए, और है तो अपने कपड़े पैक करने लगती है। लेकिन ये था कि चलो लड्डू गोपाल तो यही है, मंदिर में विराजे थे और भी भगवान है, तो ये रहेंगे, करेगी ये सेवा। और जो पोता था, पोता को बड़ा लगाव हो गया था वो लड्डू गोपाल से, तो उसको लगा कि अगर इनको ले जाऊंगी तो इसको बुरा ना लगे, बच्चे को बच्चा सेवा करता है तो करता रहेगा। तो वो तैयार हो जाती हैं और जाने के लिए करती हैं। तो जब वो जाने लगती हैं तो वो जो बहू थी वो पीछे से आती है और कहती है अरे अरे अम्मा आप अकेले जा रही हैं, इनको भी तो लिए जाओ अपने साथ में। जब ये सुनती है तो वो इतनी दुखी हो जाती है अम्मा, और कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि हाँ बेटा ठीक है मैं ले जाऊंगी। और है तो वहाँ जाती है और कुछ दिन वहाँ भी रहती है अपनी बड़ी बहुओं के पास, कुछ दिन मझी के पास, कुछ दिन बड़ी के पास, लेकिन सबका यही व्यवहार देख के बड़ी दुखी होती है। और फिर अपने बच्चों से कहती है, बेटों से कहती है कि बेटा ऐसा करो कि मुझे ना अपने गाँव भेज दो, मुझे बड़ी याद आ रही है और याद कुछ नहीं आ रही बुढ़ापे में। तो हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, अपने बहुओं के साथ रहे, अपने पोतों के साथ रहे, लेकिन ऐसे व्यवहार करती है ना वो बहुएं और बच्चे बड़े हो गए कि सब कुछ भूल जाते हैं। और हर बहू को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि अगर यही व्यवहार हमारी भाभी हमारी माँ के साथ करें तो उसको कैसा लगेगा। अगर ये बात अगर हर बहू के मन में अगर आएगी ना, तो वो कभी अपनी सास के साथ गलत नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा ही व्यवहार अगर उसकी भाभी करेगी तो उसको कैसा लगेगा, दुख लगेगा ना। इसलिए कभी वो ऐसे व्यवहार नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप का फर्ज है, उन्होंने निभा दिया, अब निभाने की बारी आपकी है। आप इतना इतनी अच्छे से रखो, क्योंकि बुढ़ापे में अगर आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। अकेले रहेंगे, आपको शोभा देगा कि आप यहाँ पे शहर में पूरी सुविधाओं के साथ रहो और वो माँ बाप वहाँ पे, माँ हो या बाप हो या दोनों हो, वहाँ पे रहें। तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि आप उनको सुखी से रखो, अच्छे से रखो, प्यार से रखो, क्योंकि बुढ़ापे में ना पैसे की जरूरत नहीं होती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माँ बाप को प्यार की जरूरत होती है। उनको अच्छे से रखो, उनका ध्यान रखो, बस दो शब्द उनसे अच्छे से बोल लो और थोड़ी सा टाइम दे दो, बस इसकी जरूरत होती है। और फिर जो आशीष निकलेगा ना, वो दुआ जो मिलेगी ना, तो आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे या बहू जो अपने माँ बाप की सेवा करती है, जो अपने सास ससुर की सेवा करती है ना, उसको पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, इतना आशीष इतना आशीर्वाद मिलता है। और फिर कहते हैं कर्म है ये भुगतने पड़ते हैं, ये तुम्हारे पास वापस जरूर आते हैं, कर्म का फल ना वापस जरूर मिलता है। अगर जो हम आज अपने सास ससुर के साथ करेंगे वही कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। तो ये सोच के भी कभी अपने सास ससुर को कभी दुख मत दो, कभी तकलीफ ना दो, जितना हो सके आपसे आप उनका अच्छा ही करो। तो ऐसे हर बहू को, हर लड़के को ऐसे सोच के अगर जो भी बच्चा करेगा ना, उसको बहुत आशीष और बहुत कृपा मिलेगी। और फिर क्या होता है कि मैया तो चली जाती है अपने घर अपने गांव, और वो बहुत अच्छे से रहने, क्योंकि उनके साथ उनके लड्डू गोपाल थे, और जिसके साथ लड्डू गोपाल होते हैं ना, उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ दिन के बाद मैया जो थी वो एकादशी का दिन था और वो स्वर्ग सिधार चली जाती हैं। फिर बाद में जब वो चली जाती हैं, तब बच्चों को इतना पछतावा होता है कि काश हम अपनी माँ को अपने पास रखे होते। फिर उनको सारी बातें याद आती हैं कि हमारी माँ हमारे साथ कैसे रहती थी। और जब वो बच्चे जाते हैं तो गांव वाले बताते हैं, ये बात माँ बाप ने उनको कभी नहीं बताई थी, लेकिन जब वो मैया खत्म हो जाती है तब गांव वाले बताते हैं कि बेटा आखिरी तुम्हारे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो माँ बाप मजदूरी करते थे और तुम्हारे लिए पैसे भिजवाते थे, ऐसे माँ बाप थे। तो ये सुन के जब ये बच्चे तीनों सुनते हैं ना, तो उनको पछतावा होता है और पश्चाताप करते हैं। और फिर कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यही हाल था उन बेटों का, सिर्फ पछतावा बचा था और कुछ नहीं बचा था उनके पास। और वो जो लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल मैया अपने जीते जी वो किसी भक्त को, वो जो मंदिर का पुजारी था वहीं गांव में, उसको दे गई थी कि बेटा मेरे मरने के बाद ये लड्डू गोपाल मेरे बच्चों को मत देना, तुम ही सेवा करना। तो वो लड्डू गोपाल भी मंदिर में चले गए थे और मैया भी बड़े अच्छे दिन तिथि पाई थी, एकादशी का दिन, जो बड़े बड़े साधु महात्मा को नहीं मिलते। तो लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, वो बच्चे भले नालायक थे लेकिन लड्डू गोपाल ने मैया के ऊपर
बहुत कृपा की। वहां से आने के बाद मैया का जीवन बड़े अच्छे से बीता। गाँव वाले सब सारी सुविधा करते थे, सारी व्यवस्था करते थे लड्डू गोपाल की कृपा से, और मैया को पूरे गाँव के लोग बहुत चाहते थे, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और मैया का अंत भी बहुत अच्छा हुआ। इसलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल की जो शरण में रहते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। बात रही बच्चों की, तो जैसे कर्म बच्चे किए हैं वो उनको मिलेगा, बहुओं को मिलेगा, क्योंकि आज का कर्म ही कल का प्रारब्ध होता है, तो कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। तो बोलिए राधे राधे।